तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कैसी सर्दी पड़ रही है आप लोगों के यहाँ, बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और अपना अपना ख्याल रखिएगा। और मैं बना रही हूँ आलू का पराठा नाश्ते में। और देखिए, नाश्ता या खाना, ये लंच लंच या मतलब ब्रेकफास्ट, ये दोनों ही हो जाएगा मेरा, क्योंकि सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और फिर जो ब्रेकफास्ट करते करते 11 बज जाते हैं, फिर भूख नहीं लगती है। तो मेरा हो चुका है ब्रेकफास्ट रेडी, लंच एंड ब्रेकफास्ट। लंच भी है ये और ब्रेकफास्ट भी है, आलू का पराठा और टोमेटो सॉस और हरा धनिया टमाटर की चटनी। तो हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत पसंद है सभी को आलू के पराठे। ये है स्टडी टेबल, दीक्षा ने मंगाई है, आज आई है। ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो ये आज आई है, ये देखिए। और दीक्षा को पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है पिंक कलर, तो हर चीज़ पिंक कलर की ही मंगाती है। तो ये है स्टडी टेबल दीक्षा की। तो ये आ चुकी है हमारी शाम वाली चाय, 4 बजे वाली। और इसको पीने के बाद हम कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे। चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर बताते हैं कहाँ जाएंगे। ओके, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। और चलिए बता देती हूँ कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा भी ग्रोसरी का सामान जो है थोड़ा सा भी और लेना है, तो बस वही लेने जा रही हूँ। तो बस निकल रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। अंदर मार्केट का काम करने के बाद यहाँ पे खाए हम लोगों ने गोलगप्पे। और उसके बाद, क्योंकि जो ग्रोसरी का सामान है वो मैं लेती हूँ इधर, जब अपने घर के लिए आती हूँ तो रास्ते में शॉप पड़ती है वहाँ से। और अंदर मार्केट वाला काम करने के बाद गोलगप्पे खा के आ गई हूँ मैं इधर। और फिर यहाँ से मैंने लिया जूस। और उसके बाद अब आई हूँ ग्रोसरी की शॉप पे। तो यहाँ से कुछ मुझे मिर्च मसाले वगैरह लेने थे। मार्केट से आ चुकी हूँ और अभी पी रही हूँ मैं चाय, और उसके बाद बनाऊंगी खाना। फिर दिखाती हूँ आपको क्या लेके आई थी मैं। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा ग्रोसरी का ही सामान है। और तो पहले चाय पी लेते हैं। तो मार्केट वाला सामान भी जो है निकाल लेती हूँ। कुछ तो सब्जी भी है, जैसे वैसे तो सब्जी मैं यहीं से लेती हूँ, हमेशा दरवाजा से ही लेती हूँ, लेकिन क्या होता है कि जाते हैं मार्केट और देखते हैं कोई सही चीज, मतलब दिखता है कि चीज भी अच्छी है और सही हिसाब से मिल रही है, यानी कि सही रेट में मिल रही है, तो ले आते हैं। तो ये है टमाटर, है ना, देखना पड़ता है सब कुछ। और ये है अमरूद, तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। और ये है गाजर है इसमें, तो ये है गाजर, इसमें गाजर है, तो इनको मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूंगी, जितनी जरूरत होगी उतना निकालूंगी। और इसमें है ये मटर की फली, मटर की फली है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या है। वैसे तो मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं इकट्ठा सामान ले आऊं पूरा पूरा महीने का, लेकिन क्या होता है कि फिर भी कुछ कुछ ना कुछ जो है रह ही जाता है। और वैसे तो मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ, जैसे ही मैं किचन में काम करती हूँ और मुझे दिखता है कि ये चीज खत्म हो गई है या होने वाली है,
तो मैं उसको तुरंत नोट कर लेती हूँ वो लिस्ट में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सामान रह ही जाते हैं। तो ये है ब्रेड और ये है गजक और ये है सोया चंक्स और ये है रोज वाटर। और ये है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। तो ये है हल्दी, ये हल्दी पाउडर है और ये है मिर्च पाउडर और ये है धनिया पाउडर, ये है काली मिर्च और ये है जीरा। लेके तो मैं आई थी अभी और दो तीन दिन पहले ही तो लेके आई हूँ सामान ढेर सारा, तो उसमें जीरा भी लेके आई थी, लेकिन हुआ क्या कि भुना हुआ जीरा खत्म हो गया था, तो मैंने उसका ना भून के पाउडर बना लिया। और ये है चाय पत्ती और ये है नारियल ऑयल और ये है हार्पिक और ये है नमक। तो बस यही लेके आई हूँ मैं आज। और सब्जी मेरी बन चुकी है, अब चलते हैं रोटी सेकने और उसके बाद तो एक तो सर्दियां चल रही हैं और वैसे भी कहीं जाना चाहिए तो फेस वॉश जरूर करना चाहिए, तो सर्दियों में मन तो होता नहीं है बिल्कुल फेस वॉश करने का, वो भी शाम के टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो मैं नारियल ऑयल इसीलिए लाई हूँ, तो आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं कैसे यूज करती हूँ शाम को इसको। आप सभी अगर सभी ने अगर कल का हमारा ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा कि मैं एक एक रेसिपी तैयार कर रही थी और एक मतलब जो माइग्रेन की पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम को जो है ठीक करती है और जोड़ों के दर्द के लिए मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो आज हमारी बन चुकी है पूरी। तो मैं उसको ना भर के रखने जा रही हूँ, इसमें भर के रख लूँगी और उसको डेली दो चम्मच छोटे दो चम्मच डेली लेना है, उसको खाना है तो बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम्स है इस तरीके की, जैसे सर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द या मतलब कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की, तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे इसकी फुल रेसिपी शेयर की जाएगी और आप लोग भी बना के रखिए इसको और कंटिन्यू कुछ दिन तक खाइए तो पूरी तरह से आपको जो है लाभ होगा, माइग्रेन प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए इसको भर के रख लेते हैं। Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart. तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं इस काम को हम कल से करेंगे या परसों से करेंगे। तो मेरा तो यही रहता है कि कल से क्यों, आज से क्यों नहीं, तो मैं इसकी भी आज से ही शुरुआत करती हूँ और इतना मैंने इसीलिए इसमें छोड़ दिया है कि मैं इसको अभी थोड़ी देर में इसको दूध के साथ लूंगी और ये मैंने भर के रख दिया है, ये डेली लिया करूंगी। देखिए कोई भी काम कल पे नहीं डालना चाहिए कि कल से शुरुआत करेंगे। मैं कहती हूँ कल क्यों, आज क्यों नहीं, आज से करो ना, कल करे सो आज, करे आज करे सो अब। तो जो कल के लिए आप सोच रहे हैं आज से उसकी शुरुआत कर दो और आज के लिए जो सोच रहे हैं वो अभी से शुरुआत कर दो। कोई भी काम है तो किसी भी काम के लिए ऐसा मतलब सजना नहीं चाहिए कि मतलब सजने का मतलब है कि नहीं कि कल से करेंगे परसों से करेंगे, नहीं भाई तुरंत से करो। जिस काम की आप सोच रहे हो उसे सोचो मत, उसे करना शुरू करो, स्टार्ट करो जल्दी से फटाफट से। तो ये थी हमारी कल की जो रेसिपी बोलेंगे या रेमेडी या दवा कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो थी। तो पूरी हो चुकी है और मैं खाना पीना से सबसे फ्री हो चुकी हूँ। तो देखिए सर्दी का टाइम एक तो चल रहा है और सर्दियों में वैसे भी सभी की स्किन जो है डल हो जाती है ना, और ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, तो
आज मैं जैसे बाहर गई थी, और बाहर नहीं भी जाए तब भी करना चाहिए, और बाहर अगर जाते हैं तो फिर जरूर ही करना चाहिए। तो मैं, चलिए देखिए, मैं बाहर गई थी तो मैं क्या करती हूँ फिर शाम को, मतलब अब मुझे लेटना है, सारा काम फिनिश हो चुका है, तो लेटने से पहले अपनी स्किन को जरूर साफ करना चाहिए। अगर डेली में ही करना चाहिए, करना तो डेली चाहिए। अगर डेली नहीं भी कर पाते हैं आप, तो जिस दिन बाहर गए हैं तो उस दिन तो आप जरूर ही करिएगा, क्योंकि बाहर जब हम लोग जाते हैं तो कितनी डस्ट हमारे फेस पे आती है। देखिए सर्दी का टाइम है तो मॉइस्चराइजर तो जरूर ही आपने लगाया होगा, है ना, नहाने के बाद लगाया होगा, गई होंगी तब नहीं लगाया होगा लेकिन नहाने के बाद लगाया होगा। तो जो डस्ट वगैरह बाहर उड़ती है और होती है बाहर, तो वो हमारे फेस पे जो है आती है, तो हमें उसको साफ करके ही रात को सोना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से उसको साफ करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लेंगे, है ना। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए सर्दी है, फेस वॉश करने में मतलब आलस आता है ना, कि ठंड है कौन करे। तो ये देखिए हमने लिया है नारियल ऑयल, हम इसको थोड़ा सा लेंगे। पिघलाने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर चाहे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी में रखिए तो पिघल जाएगा, लेकिन पिघलाने की जरूरत नहीं होती है। निकाल लीजिए, जैसे हमारे हाथों में आता है वैसे ही अपने आप खुद पिघल जाता है, ये देखिए। और हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे फेस पे। सब जगह हमने लगा लिया इसको। अब इसको कॉटन की सहायता से हम डस्ट को पोंछ देंगे। नारियल तेल जो होता है ना, हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये। काफी देखिए, अगर कोई जल जाता है तो नारियल ऑयल जो है बहुत फायदेमंद होता है ना, हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। तो आप कभी भी बिना फेस वॉश किए ना सोएं, और फेस वॉश मेरी तरह नहीं करना चाहते हैं, जैसे मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, तो आप ये तो कर ही सकते हैं ना। नारियल ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि अधिकतर घर में आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो ले लीजिए। तो देखिए कितनी डस्ट निकली है। तो इस तरीके से फेस को साफ करके ही सोएं, और अब हमें कुछ भी फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है, मॉइस्चराइजर वगैरह, क्योंकि ऑयल है लगा हुआ है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, फिर मिलते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।